What a superb winning season it is turning out to be for Bollywood at the box office, जहां एक के बाद एक फिल्में हिट्स, सुपर हिट्स और ब्लॉकबस्टर्स हो रही है। बात करेंगे टोटल धमाल, गली बॉय और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। दिस इज जोगेंद्र टुटेजा एट टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी एंड लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स दैट दिस फिल्म हैज गार्नर्ड ओवर द वीक गॉन बाय। सबसे पहले बात करते हैं टोटल धमाल के बारे में। टोटल धमाल ने वाकई में काफी धमाल मचा दिया। द नंबर्स हैव बीन रियली फैंटास्टिक। अराउंड 94 करोड़ हैव कम इन द फर्स्ट वीक विच इज सिंपली सुपर्ब। ऑफ कोर्स अगर पहले ही वीक में ये इंद्र कुमार की फिल्म 100 करोड़ क्लब पहुंच जाती तो फिर बात ही क्या होती, बट देन द फिल्म हैज स्टिल एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस इन अ वेरी बिग वे। जो ये फिल्म है अगर 150 करोड़ तक पहुंच जाती है तो डेफिनेटली सुपर हिट की कैटेगरी में भी आ जाएगी, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ क्लीन हिट फॉर श्योर, विच मींस दैट फॉर एवरीवन इन द फिल्म वेदर इट्स अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख, अर्शद वर्सी, जावेद जाफरी, दिस वन इज अ वेरी गुड सक्सेस। इनफैक्ट पहले ये फिल्म दिवाली पे रिलीज होनी थी एंड आई एम वेरी श्योर अगर ये फिल्म दिवाली पर आती तो ये 200 करोड़ क्लब की तरफ डेफिनेटली डायरेक्शन लेती, बट एज ऑफ नाउ इवन दो द फिल्म हैज रिलीज्ड ऑन अ नॉन हॉलीडे, एग्जामिनेशंस का पीरियड चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान की एक अलग टेंशन चल रही है, बीच में क्रिकेट मैचेस भी थे, बट इवन विद सो मच हैपनिंग ऑल अराउंड इट द फिल्म हैज मैनेज्ड टू फेच ऑडियंस अटेंशन इन अ वेरी बिग वे। सो अब देखते हैं कि आगे आने वाले हफ्तों में फिल्म कितना चलती है, बट ऐसा लग रहा है कि 140 से 150 करोड़ तक फिल्म पहुंच जानी चाहिए। Meanwhile, Gully Boy, that has also done a little better than expected. First week के बाद ऐसे लग रहा था कि शायद फिल्म का lifetime 130 से 135 करोड़ तक का होगा, but as of now, looks like it's going to aim for a 140 करोड़ lifetime. It's a very good number for a film like this, जो niche है, जो offbeat है, जो एक select target audience के लिए बनी है. As of now, the film is a clean hit for sure. 128 करोड़ तक फिल्म के आ चुके हैं, which means it's also आलिया भट्ट's highest grosser ever. उनकी राजी के numbers फिल्म ने क्रॉस कर दिए हैं। As for रणवीर सिंह, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी successes recent times में दी ही है। पद्मावत 300 करोड़ क्लब में एंट्री करी थी, उसके बाद आई सिम्बा विच वेंट पास द 200 करोड़ मार्क एंड नाउ दिस वन इज ऑल्सो अ क्लीन सेंचुरी। फॉर जोया अख्तर दिस इज अ फर्स्ट फिल्म इन द 100 करोड़ क्लब। तो आगे अब देखना है कि ये सब कौन सी अपनी अगली फिल्म लेकर आते हैं, हाउ बिग डज दैट टर्न आउट टू बी। मीनवाइल उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, दैट फिल्म हैज नाउ एंटर्ड द 8th वीक। 50 डेज फिल्म के आज पूरे हो गए हैं तो फिल्म इज ऑलरेडी कलेक्टेड अराउंड 237 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। इट्स एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी। और सिम्बा का जो 240.5 करोड़ का लाइफ टाइम है वो ये फिल्म डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगी। अब देखना ये है कि क्या ये इस वीकेंड पे होता है या वीकडेज तक फिल्म को चलना पड़ेगा टू गो पास दैट मार्क, बट ऑल सेड एंड डन अ वेरी बिग सक्सेस और ऐसा लग रहा है कि अभी 2-3 हफ्ते तो और थिएटर्स में फिल्म रहेगी। सो स्टे विद मी एंड आई विल बी बैक विद यू सून इनफ टू टॉक अबाउट द न्यू रिलीजेस लुका छुपी एंड सोन चिरिया एंड हाउ डिड दे टर्न आउट टू बी एट द बॉक्स ऑफिस। दिस जोगेंद्र टुटेजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी।